इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आगरा से। खबर है कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के निशाने पर है ताजमहल। इस्लामिक स्टेट ने इंटरनेट पर ताजमहल पर अटैक की धमकी दी है। इसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर घंटे मॉक ड्रिल की जा रही है। विवेक पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। विवेक, बताइए किस तरह से सुरक्षा ज्यादा की गई है ताजमहल की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल शिखर, जिस तरह से इस्लामिक स्टेट ने एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट इंटरनेट साइट पर जिस तरह से ताजमहल के साथ एक फोटो अपलोड किया है, उससे सीधे सीधे तौर पर ये जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चेतावनी भरा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट ने हमेशा से ही ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों को ही अपना निशाना बनाने की बात रखी और ये पहले भी ऐसे कई मामले देखे हैं। इस मामले के बाद में जो अंतरिम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, साथ ही साथ स्टेट लेवल पर जो एजेंसी है वहां से भी इसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें, जो तीनों जोन की जो उसकी सुरक्षा व्यवस्था है, सात सुरक्षा सिविल पुलिसिंग और साथ ही साथ सीआईएसएफ का जो उसका पूरा जो सुरक्षा घेरा है, उसको तीनों ही लेवल को जो है डेवलप कर दिया गया है। जो ऑटोमेटिक जो सिक्योरिटी जो एक्सपर्टाइज थी यहाँ पर, उसको अपडेट कर दिया गया है। हालांकि मीडिया से अभी यहाँ पर जो चूंकि अभी मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है, तो मीडिया और उनके कैमरों को यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। कोशिश की जा रही है कि बताया जा रहा है कि आधे से एक घंटे बाद ये पाबंदी हटाई जा सकेगी, जब ये मॉक ड्रिल शुरू होगी उसके बाद ही एक नजारा सामने देखने को मिल सकेगा कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद की जा रही है। जी शुक्रिया।